कानपुर की प्रसिद्ध काकाजो कोचिंग मंडी में एक शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के संबंध में पुलिस की कार्यवाही के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आज जहां काकाजो कोचिंग मंडी में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के विरोध में साहिद सिद्दीकी के छात्र छात्राओं ने जेल गए शिक्षक के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। बताते चले बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शिक्षक साहिद सिद्दीकी अपनी स्टूडेंट के साथ क्लासरूम में अश्लील हरकतें करते देखा गया था। इस वीडियो को देखकर कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने शिक्षक साहिद सिद्दीकी के खिलाफ काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद काकादेव थाने की पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं इस पूरे मामले में छात्र व छात्राओं का कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने पूरी फीस ले ली और जब लास्ट सेमेस्टर बचा है तो शिक्षक साहिद सिद्दीकी को जेल भिजवा दिया। छात्र छात्राओं का कहना कि शिक्षक साहिद सिद्दीकी के जेल जाने से उनका कोर्स लास्ट सेमेस्टर में पिछड़ता जा रहा है, जिसका उनके भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा। आजिया न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, हमारा विरोध प्रदर्शन लव जिहाद के खिलाफ है और बढ़ते लव जिहाद के खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन है और लगातार जिस तरीके से लव जिहाद कानपुर में बढ़ रहा है, ये हम सब लोगों की बहुत चिंता का विषय है। क्या मांगे थी आपने? देखिए, हमारी मांग ये है कि छात्रों के साथ जिस तरीके से और जो छात्र कानपुर के काकादू में पढ़ने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कानपुर की छवि धूमिल हो रही है और शिक्षक समाज का बहुत बड़ा अंग है और शिक्षक की भूमिका गुरु के रूप में बताई गई है और गुरु माता पिता से बढ़कर है और शिक्षक का इस तरीके का कृत्य अगर सामने आएगा तो हम सब लोग विरोध करेंगे और हमारी हिंदू बेटियों के साथ इस तरीके का कृत्य कतई। नाम अभिजीत राय है। आज हम लोगों ने प्रदर्शन कर रहा है आप लोग के समक्ष के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं कि एक लव जिहादी का विरोध करना कितना भारी पड़ता है। ये कोचिंग वाला बैठाता है छात्रों को और जो यहीं देखता है कि हम लोग लव जिहादी का विरोध करते हैं तो यहीं सैकड़ों छात्र छात्राओं को आय करता है, छात्राओं को आय करता है। मैं कहना चाहूँगा कि छात्राएं नादान है, इनको ये नहीं पता है ये लव जिहादी ऐसे घृणित कार्य करते हैं कि आज यहाँ पे सुरक्षित ये दिख रही हैं, कल ये फ्रिज में दिखेंगी, कल ये सूटकेस में दिखेंगी, लेकिन अब ये नादान है, इनको ये पता नहीं है कल को ये फ्रिज में लग दिखेंगी। ऑब्जेक्शन हम लोगों को ये है कि अगर आशीष सर को इतनी दिक्कत थी साहिद सर से तो उन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ये बात क्यों नहीं निकाली। सेशन जब स्टार्ट हो गया उन्होंने सारे स्टूडेंट से फीस वसूल कर ली, अब जब साहिद सर को पैकेज देने की बारी आई तो अब वो कह रहे हैं कि साहिद सर ऐसे है वैसे है, लड़कियों को छेड़ते। क्या पिछले 5 साल से उन्हें ये बात नहीं बता दी? साहिद सर पहले भी यहाँ पे पढ़ाते थे ना काकादेव में, अभी नए तो है नहीं वो काकादेव में, तो आशीष सर को ये बात पहले नहीं बता दी? आशीष सर ने केवल बच्चों को चूतिया बना के बच्चों से रुपए लिए, रुपए वसूले, जब वही रुपए साहिद सर को देने की बारी आई तब वो बता रहे साहिद सर लड़कियों के साथ में ये करते थे वो करते थे, बात बीच में लव जिहाद आ रहा है, सनातन धर्म बीच में आ रहा है। जो आशीष सर ये आज बहुत ज्यादा दूध के धुले बन रहे हैं, इन्होंने कौन सी ऐसी लड़कियों को नहीं छेड़ा है, ये भी तो अपनी बहन बेटियों को छेड़ते हुए आए हैं। अब जो साहिद सर पे उनके खुद की दो बेटियां हैं, अब तो कैसे ये इल्जाम लगा सकते हैं? एक मिनट, दूसरी बात रिपब्लिक भारत जैसे न्यूज चैनल पे जिसके 2.33 मिलियन व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे वीडियो पूरा ऐसे दिखाया जा रहा है, उसको ब्लर नहीं किया गया, लड़की की इज्जत क्या रह गई? अब पूरा लड़की का चेहरा दिख रहा है, उसमें लड़की का चेहरा दिख रहा है, रुपए देंगे जितने रुपए उन्होंने मीडिया को दिए ना, अगर इतने ही रुपए वो सारे सर को देते तो आज इतना ड्रामा, आज इतने बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल ना कर रहे हो। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।